हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। और आज का वीडियो है, एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है और अपग्रेड बोल सकते हैं। मेरे पास बेलेनो जेटा 2017 मॉडल है, जो कि 1.2 है ऑफ कोर्स, एंड उसमें मैं एक छोटा सा अपग्रेड करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही माइन्योर सा हो सकता है बहुत लोगों के लिए। सो बेसिकली मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मैं एक्चुअली 2017 मॉडल में, जेटा मॉडल में कैमरा वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता था, इवन डिस्प्ले भी नहीं आता था। नॉर्मल ये वाला म्यूजिक सिस्टम आता था, जो अभी वाली जो फेसलिफ्ट बलेनो है उसमें जेटा में वो टच स्क्रीन आ रहा है, जो हेड यूनिट आ रहा है वो सेम अल्फा वाला आ रहा है, लेकिन उसमें भी कैमरा नहीं आ रहा है। तो बेसिकली मेरे को एक कैमरा लगाना था, जो कि मैंने बाहर से ऑनलाइन ऐसे ही परचेज किया था बहुत ही स्टार्टिंग में, जब मैंने गाड़ी ली थी। तो मैंने 1300-1400 रुपए का एक पूरा सेटअप मैंने परचेज किया था, जिसमें कि कैमरा था और एक ये छोटा सा डिस्प्ले था। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को लाइट ऑन कर उसके बाद। ये एक छोटा सा डिस्प्ले था जिसमें कि जब आप रिवर्स करते हैं तो ये डिस्प्ले दिखाता है आपको। तो बेसिकली इसमें इशू क्या था, मैंने जब इसको परचेज किया तो मुझे लगा ये इंफ्रारेड नाइट विजन वाला कैमरा है, लेकिन उसमें ऑल अराउंड LEDs लगे हुए हैं, लेकिन वो टोटली अगर उसको मैं कहूँ कि IR बेस्ड है तो इंफ्रारेड बेस्ड कैमरा नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि नाइट में एकदम जहाँ डार्क होता है वहां पे वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये डिस्प्ले है और जब मैं रिवर्स में डालूंगा इसको तो आप ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये थोड़ी सी इसमें लाइंस आ गई, क्योंकि थोड़ा डिस्प्ले डैमेज हो गया है, फिजिकल डैमेज है किसी वजह से, इसके इतने पिक्सल्स डेड हो गए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये पीछे का इसका क्लैरिटी है, और जब मैं इसमें ब्रेक प्रेस करता हूँ, हालांकि अभी कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर पा रहा है, थोड़ा और क्लैरिटी है मेरे को। नॉर्मल में अगर मैं अपनी बेयर आइज से देख रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, अभी जब मैं ब्रेक प्रेस करूंगा तो थोड़ी क्लैरिटी और होती है, जो कि LED ज्यादा ग्लो होती है। तो आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ये LEDs की वजह से थोड़ा सा, और मेरा थोड़ा कैमरा फोकस भी नहीं कर रहा है एक्चुअली। ये मैंने ब्रेक प्रेस किया हुआ है, ये मैंने ब्रेक छोड़ा हुआ है, ब्रेक प्रेस किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि बहुत ही, मतलब नाइट विजन तो बहुत ज्यादा ही पुअर है। तो इसमें जो मेरे को अपग्रेड करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। वो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, ये लाइट्स हैं जो कि मैं लगाने वाला हूं मेरी रिवर्स लाइट में। अभी रिवर्स लाइट में क्या होता है, 5 वॉट के आपके बल्ब आते हैं हैलोजन बेस्ड, और ये लाइट्स हैं जो मैं रिवर्स लाइट में LED लाइट्स डालने वाला हूँ, जो कि अराउंड 5 वॉट के ही हैं, सेम वॉटेज, बट इसके जो ल्यूमन्स हैं वो अराउंड 800 लूमन्स, ये एक लाइट से रोशनी आती है। तो ओवरऑल एज कम्पेयर टू हैलोजन वन, मेरे को लगता है उससे ज़्यादा तो ये ब्राइट हो गए। और मैंने इंटीरियर में भी सारे मॉड्स मतलब किए हुए हैं, लाइट्स वगैरह ये सारी वाइट की हुई है मैंने, ये हो गई, और ये डोम लाइट जो है इसको भी मैंने वाइट किया हुआ है। तो आप अगर ब्राइटनेस देखेंगे तो बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस है, और ये सारी ओसराम की लाइट्स हैं और ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी है। अभी कैमरा तो उतनी जस्टिस नहीं कर रहा है, लेकिन ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये एक मैं अपग्रेड करने जा रहा हूँ, और फिर बिफोर एंड आफ्टर देखता हूँ कि कितना मतलब फ़र्क रहता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो भी स्टैंडर्ड जो हैलोजन लाइट्स लगे हुए हैं, रिवर्स लाइट, वो मतलब कितना जस्टिस करते हैं। चलिए वो उसमें इसको डालते हैं और देखते हैं हमें।
सो ये वीडियो रॉ एंड अनकट रहने वाला है बिल्कुल ही, और आपने देखा कि कितने इसमें ब्राइटनेस है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है। बैक लाइट जो है उसको आपको ओपन करना है, दो नट्स के साथ वो लगी हुई होती है, दोनों नट को खोल के उसको बाहर निकाल लेना है, और होल्डर में आपको बस होल्डर उसका निकाल के और उसमें आपको लाइट्स फंसा देनी है, उसमें उसका जो होल्डर होता है उसमें। एंड ये 5 मिनट्स का मॉड है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। और मैं ये करके मैं आपको फिर इसका फीडबैक मैं दिखाता हूँ कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है इन एक्चुअलिटी। हालांकि थोड़ा सा मैं फिर से कहूँगा कि मेरा कैमरा जो है थोड़ा जस्टिस नहीं कर पा रहा है एक्चुअल में। थोड़ा मतलब ब्राइटनेस है उसमें, जो भी हैलोजन वाले हैं मतलब दिख रहा है उसमें, लेकिन कैमरा में वो इतना इफेक्टिव नहीं है जो कि मेरा रिवर्स जो बैकअप कैमरा है उसमें। तो चलिए देखते हैं, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, तो अभी मैं रिवर्स लाइट जो एलईडी लाइट्स थी वो मैं अभी इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, और एक्चुअली मैंने इंस्टॉल कर दिया है, पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं दोबारा से ओपन करके इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो दिखाऊंगा आपको मैं। बेसिकली इस लाइट के दो मेन नट होते हैं जिनको आपको खोलना होता है, तो ये 10 नंबर रेंच से खोल जाएगा आसानी से। बेसिकली दोनों नट्स को खोल के बाहर निकाल लेना है। खोलने के बाद आपको यहां से हल्का सा इसको बाहर की तरफ निकालना है, ये यहां पे फंसा हुआ होता है नीचे साइड। इसके बाद आपको इसको धीरे से पुल आउट करना है। ये इस तरीके से बड़ी आसानी से बाहर निकल आते हैं। अभी बेसिकली आपको क्या करना है, ये आपका इंडिकेटर है और ये आपका रिवर्स लाइट है, तो ये रिवर्स लाइट को आपको एंटी क्लॉकवाइज आपको बाहर निकाल लेना है, आपको टर्न करते हुए एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है और ये आपका बाहर आ जाएगा। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से ये बल्ब लगा हुआ होता है, इसको मैंने ऑलरेडी पहले लगा दिया था, तो इसको आप ऐसे बाहर निकाल सकते हैं ऐसे, और ये सिंपली इस प्लग में डायरेक्ट ऐसे ही चला जाता है। इसको लगाना बहुत ईजी है, और आप इसको ऐसे लगाएंगे, इसको अंदर आप डाल के सिंपली आप इसको ऐसे टर्न करते हैं। अभी मैंने दोनों रिवर्स लाइट को एलईडी लाइट से रिप्लेस कर दिया है, और अभी देखते हैं कि कितना आउटपुट, कितना उस हैलोजन से कितना अच्छा है। Let's see, अगर कोई डिफरेंस है या नहीं है इन एक्चुअलिटी। तो ये रहा मेरा डिस्प्ले, और मैं इसको रिवर्स में डालता हूं। आप खुद देख पा रहे होंगे कि कितना डिफरेंस है, कि आउटपुट में कितना डिफरेंस है आप खुद देख पा रहे होंगे, कि जो पहले हैलोजन वाले बल्ब लगे थे उसमें कितना फर्क है अभी एलईडी वाले में। और इन एक्चुअलिटी बहुत ही ज्यादा ब्राइट है ये बल्ब्स। इवन मैं आपको मतलब किस कोई भी अगर लगाना चाहे मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ब्राइट है ये। और मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बाहर से भी दिखाऊंगा। ये है नॉर्मल जो दोनों बल्ब्स चल रहे हैं जिनमें आप देख रहे हैं पूरा दूर तक मुझे एकदम रोड की क्लैरिटी मिल रही है, और अभी आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल एकदम क्लैरिटी है। और अभी मैं ब्रेक प्रेस कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि ब्राइटनेस और बढ़ती है, हालांकि विदाउट ब्रेक प्रेस करे हुए भी बहुत ब्राइट है। और अभी आप देखेंगे कि अगर आप साइड मिरर में भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कितना ब्राइट है, पीछे का एकदम क्लियर दिख रहा है बिल्कुल दूर दूर तक। ऐसे ही लेफ्ट साइड का भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एकदम क्लियर है बैक साइड में। मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ कि कितना इफेक्टिव है।
तो अभी तक आपने देख ही लिया होगा कि ये कितने ज्यादा ब्राइट है, और ओवरऑल डिफरेंस मैं कहूंगा कि इम्प्रूवमेंट, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि ओवर हेलोजिन जो बल्ब है उसमें इम्प्रूवमेंट कितना है इसमें, तो मैं कहूंगा कि लाइक 500% इम्प्रूवमेंट है अगर आप ब्राइटनेस की बात करते हैं तो, एकदम क्लियर है। और मेरा जो कैमरे की सेटिंग है वो बिल्कुल, मैंने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, इवन जो भी ऑटो मोड में था मेरा कैमरा, तो मैंने भी कुछ इसमें ISO सेटिंग या इस तरह का मैंने उसमें कुछ चेंज नहीं किया है, तो वो पहले भी वैसे ही था, अभी भी वो वैसे ही है। और ये जो LEDs हैं ये मेरे को कॉस्ट किए थी 420 रुपीज टू बी प्रिसाइज, जिसमें कि दो लाइट्स आई थी, और ये अपग्रेड मैं कहूँगा मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, और क्योंकि मेरे लिए नाइट विजन एकदम ही गड़बड़ हो रहा था मेरे बैक रिवर्स कैमरे के में। तो अभी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, देखिएगा अभी आप, मैं रिवर्स में डाल रहा हूँ, आप पहले में और अभी में आप देख पाएंगे। मैं ये ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ, विदाउट ब्रेक ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ, तो आप इसमें देख पाएंगे कितना फर्क है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप अपने नॉर्मल जो LED वाले हैं आप उनसे इसको रिप्लेस करिए, कोई भी आपका इसमें कोई भी आपका MID में कोई भी एरर या इस तरह का कुछ भी नहीं आता है। मैं गाड़ी आपको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ, मैंने भी स्टार्ट कर दिया है, ये केवल सीट बेल्ट का एक आ रहा है और पार्किंग लाइट का एक लाइट है। तो अगर मैं सीट बेल्ट लगाता हूं तो वो भी चल जाएगा। तो आप देखेंगे कि MID में भी कोई एरर नहीं है, तो ये कैनवस के साथ में आता है जिस वजह से इस तरह का कोई MID में LED होने के बावजूद भी, कम कंजम्पशन के बाद भी इसमें MID में कोई भी इश्यू नहीं आता है। इवन आपके इंडिकेटर्स भी नॉर्मल ब्लिंक करते हैं, ऐसा नहीं कि फास्ट ब्लिंक करने लगते हैं। तो दैट्स इट गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एक डिफरेंट तरह का मॉड था। और इवन आपके पास कैमरा नहीं भी लगा हुआ है तो आप नॉर्मल ब्राइटनेस के लिए भी लगा सकते हैं, इवन आपके साइड मिरर्स में भी इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको लगा सकते हैं, जिससे कि नॉर्मल भी आपका, आपके साइड व्यू मिरर्स जो हैं उनमें भी आपका नाइट में विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वैसे भी आपके लिए अपग्रेड बहुत अच्छा रहेगा, ज़रूरी नहीं है कि कैमरे के लिए ही आप लगाइए। मेरा तो खैर ये था कि नहीं, मेरा कैमरा लगा था तो मुझे उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट ब्राइटनेस में चाहिए था, मैंने उस वजह से अपग्रेड किया है, एंड आई एम टोटली सेटिस्फाई विद दी अपग्रेड। और एक छोटा सा अमाउंट है जो इन्वेस्ट करना है, बट इट इज टोटली वर्थ इट। सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।